सरकार को आर्थिक मोर्चे पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने भी झटका दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के 4.2% रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विकास दर का अनुमान 6.1% घटाकर 5% कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.1 था, अब उसे घटाकर 5% कर दिया है। ये आंकड़े बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट एकोरेप ने जारी किए हैं। रिपोर्ट में ग्रोथ रेट घटने की वजह वाहनों की बिक्री में कमी, हवाई यातायात में कमी, कोर सेक्टर की वृद्धि दर स्थिर रहने और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश घटना माना जा रहा है। सरकार की तरफ से दूसरी तिमाही की विकास दर 29 नवंबर को जारी की जाएगी। एसबीआई ने ये आंकड़े ऐसे समय में पेश किए हैं जब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी जीडीपी ग्रोथ के मोर्चे पर भारत को झटका दिया। हाल ही में मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर से घटाकर निगेटिव कर दिया है। मूडीज के मुताबिक भारत में मौजूदा आर्थिक मंदी, रोजगार सृजन के मामले में कमजोरी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की खस्ता हाली ये वजह जिसकी वजह से भारत की रेटिंग निगेटिव की गई है, जिसमें हाल फिलहाल में सुधार होने के आसार बेहद ही कम है। रवि श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, जो मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के 4.2% रहने का अनुमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इससे आप ऑलरेडी आर्थिक मंदी के बीच यह अनुमान इस स्थिति को कितना चुनौतीपूर्ण करता है? देखिए, कुछ एक महीने पहले तक ये कुछ एसबीआई के अर्थशास्त्री या इस तरह के कुछ और अर्थशास्त्रियों को ये कहना था कि संभवतः पिछले क्वार्टर में समृद्धि की दर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसको बॉटमिंग आउट कहते हैं, और धीरे धीरे शायद समृद्धि की दर बढ़ेगी। लेकिन कुछ हफ्तों से जो आंकड़े आ रहे थे वो दिखा रहे थे कि इस तिमाही के जो आंकड़े हैं समृद्धि के, वो संभवतः पिछली तिमाही से भी बुरे होंगे। और पिछले कुछ हफ्तों में जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि वस्तुतः स्थिति बिगड़ी है और बहुत तेजी से बिगड़ी है। समृद्धि दर जो है वो इंडस्ट्रियल आईआईपी का जो इंडेक्स जो औद्योगिक विकास की दर को देखता है, कोर इंडस्ट्रीज का के ग्रोथ के आंकड़े, क्रेडिट के जो आंकड़े आ रहे हैं डिस्बर्सल के, ये सब दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत इस समय बहुत ही गहरी मंदी में फंसी हुई है। और अब ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि अभी जिस बॉटमिंग आउट प्रक्रिया की बात हो रही थी कि अर्थव्यवस्था अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, संभवतः ऐसा नहीं हुआ है। इस सब को देखते हुए जो जो इस तरह की जो एजेंसियां हैं, स्टेट बैंक ने, कई सारे और बैंकों ने अपने जो ग्रोथ के एस्टिमेट से उनको धीरे धीरे नीचे लाना शुरू किया है, और अब वो ये समझ रहे हैं कि अगले क्वार्टर या उसके बाद भी संभवतः अर्थव्यवस्था अब रिवाइवल की स्थिति में नहीं आएगी। और इस सब को देखते हुए पूरे वर्ष के लिए भी जो आंकड़े थे उनको नीचे की ओर अब रिवाइज करने की प्रक्रिया हो रही है, और ये समझा जा रहा है कि शायद पूरे वर्ष 19-20 में भी जो समृद्धि की दर है वो 5% के आसपास ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो निश्चित रूप से ये अपने में एक गंभीर बात है कि ये आर्थिक मंदी कितनी गहरी है और कितने दिनों तक बनी रहेगी। रवि श्रीवास्तव जी, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि पिछली तिमाही से दूसरी तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के कम रहने का अनुमान पहले से ही जताया जा रहा था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ये बात कह रहा है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि सरकार की तरफ से इस बीच जो भी कदम उठाए गए हैं 2 से 3 महीने में वो काफी नहीं थे रिवाइवल के लिए, जो ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है? सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों से जो कदम उठाए वो पूर्ति पक्ष के लिए कदम उठाए गए थे, ये कदम बहुत देर में उठाए गए और अपर्याप्त थे। और लेकिन जो ये समस्या खड़ी हुई है, ये सिर्फ पूर्ति को लेकर नहीं खड़ी हुई है, ये मांग को लेकर खड़ी हुई है। गहरे तौर से मांग पर चोट पड़ी है डिमोनेटाइजेशन के बाद, और उसकी वजह से लोगों में खरीदने की क्षमता नहीं है, और बाह्य मांग जो निर्यात की मांग है वो बढ़ नहीं रही है। तो अर्थव्यवस्था में क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं इसलिए उद्योग अपनी क्षमता बढ़ा नहीं पा रहे हैं और विनियोग करना चाह नहीं रहे हैं, इसलिए कुल मिला के जो सरकार ने कदम उठाए वो बहुत अपर्याप्त थे और बहुत देर में उठाए गए। यानी रवि श्रीवास्तव जी, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीपतियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती ना करके अगर
लोगों के हाथ में पैसा जाता तो बेहतर होता। निश्चित रूप से अगर लोगों के हाथ में पैसा जाता और जो जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापार हैं, उनको कैसे बढ़ाया जा सके, इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो अर्थव्यवस्था एक दिशा में बढ़ती। लेकिन ये फिर भी कहना पड़ेगा कि मंदी के कारण इतने गहरे थे, सरकार ने पिछले 2 और 3 साल में जो नीतियां उठाई वो उनके कारण थे, इसलिए संकट, एक बार जब संकट बहुत गहरा हो जाता है तो उससे उभरने में किसी भी हालत में समय लगता है, और अभी हम कह भी नहीं सकते कि ये संकट और कितना गहराएगा।